हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेडीज़ में, जेंट्स में, हाफ स्वेटर में या फुल स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हैं। इस तरह से बन के आता फ्रेंड्स से, और 8 रो का ये डिज़ाइन है। आगे इस तरह दिखता है और बैक साइड इसका इस तरह से दिखता है। आइए सीखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने थोड़ा 2 सिलाई मैंने कंप्लीट कर रखी है। अब 5 सिलाई हम इसी को और रिपीट करेंगे। पहला वाला फंदा सीधा बना लेंगे और इधर पर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 फंदा उल्टा, और ये एक फंदा है इसको हमने इधर से नीचे से लेना है। ऊपर से न लेके इसको सेकंड होल से हमने इसको बनाना है। इस तरह से सीधा फंदा हमने इसी तरह से बनाना है। 1 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, यहाँ पर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, 5 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 फंदा उल्टा, और यहाँ पर 3 फंदा उल्टा। इधर पे हमने इस तरह से नीचे के होल से इसको सीधा, इस ढंग से हम सीधा फंदा लेंगे। इसमें 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 फंदा उल्टा, साइड वाला फंदा इसको हम सीधा बना लेंगे। डिज़ाइन की 3री रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 7 रो तक हमने यही रिपीट करना है। 4थी रो 3 फंदा सीधा, 1 2 3 फंदा सीधा, यहाँ पर 1 फंदा उल्टा और 3 फंदा सीधा, 1 2 3, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, 5 फंदा उल्टा, यहाँ पर 3 फंदा सीधा, 1 2 3, 1 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, साइड वाला फंदा है इसको हम उल्टा बना लेंगे। इसको हमने 7 सिलाई तक रिपीट करना है। 3 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा, यहाँ पर 5 फंदे सीधे, फिर 3 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा। इस तरह से हमने 7 सिलाई तक इसको रिपीट करना है। ये हमारी 5वीं रो है। 3 फंदा उल्टा बना लेंगे और ये जो सीधा फंदा दिख रहा है इस पर हमने इधर से धागा लेना है और इसको सीधा बनाना है इस तरह से। फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, यहाँ पर 5 फंदा सीधा बना लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 फंदा उल्टा, और इसको हमने इस तरह से लेना है। इस सीधे फंदे को हम इधर से धागा लेके इस तरह से लेना है सीधे फंदे को। 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, साइड वाला फंदा है इसको हम सीधा बना लेंगे। ये हमारी 5वीं रो भी कंप्लीट हो चुकी है। डिज़ाइन की 6री रो, 6री रो में भी जो फंदा जैसा दिखता है उसको हम वैसे बना लेंगे बैक साइड से। सेकंड
सीधे में सीधा बना लेंगे और उल्टे में उल्टा बना लेंगे। एक फंदा उल्टा है, उल्टा बना लेंगे, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पांच, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। इस तरह से हमने हमारी ये छठी रो भी कंप्लीट हो चुकी है। ये छठी रो भी हमारी पूरी हो गई है डिज़ाइन की, सातवीं रो। सातवीं रो में भी जो फंदा जैसा दिखता है उसको हम वैसे ही बना लेंगे। यहाँ पर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन फंदा उल्टा, धागा को आगे की तरफ रखेंगे। अब इसको हमने इस होल से लेके इसको हमने सीधा बनाना है, इस तरह से सीधा बनाना है। और यहाँ पर तीन फंदा उल्टा बना लेंगे, एक दो तीन, धागा को आगे की तरफ रखेंगे, पांच फंदा सीधा बना लेंगे, एक दो तीन चार पांच, धागा को अपनी तरफ रखेंगे, तीन फंदा उल्टा बना लेंगे। और जो ये एक फंदा है इसको हमने इस तरह से नीचे के होल से लेके सीधा बनाना है। तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन फंदा उल्टा, साइड वाला फंदा इसको हम सीधा बना लेंगे। सात रो तक हमने इस तरह से बनाना है। आठवीं रो में हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। आठवीं रो में डिज़ाइन बनना है, आप इसको ध्यान से देखिए। पहला वाला फंदा हम उल्टा बना लेंगे और ये तीन फंदे हैं इसको हम सीधा बना लेंगे, एक दो तीन। और ये उल्टा फंदा है इसको तो हम उल्टा बना लेंगे और यहाँ भी तीन फंदा हम सीधा बना लेंगे, एक दो तीन। तीन फंदा सीधा बनाने के बाद दो फंदा उल्टा, एक, इन पांच फंदे, जो ये पांच फंदे हैं आगे की तरफ से सीधे बने हैं, बैक साइड से जो उल्टे बने हैं इस पे हमने पहले दो फंदे हमने बना लेने हैं, फिर जो सेंटर वाला फंदा है उसको हम पांच सिलाई नीचे निकाल लेंगे, इसका धागा निकाल लेंगे इस तरह से। आप ध्यान दीजिए इसमें, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच सिलाई नीचे इसको निकाल के फिर इस फंदे को सिलाई में इस तरह से डाल देंगे और इधर हमने इस तरह से उल्टा बनाना है। इस तरह से हम इसको उल्टा बना लेंगे और इधर दो फंदा इसको हम खींच लेंगे, दो फंदा उल्टा बना लेंगे, इस तरह से दो फंदा उल्टा बना लेंगे और दो, यहाँ पर तीन फंदे सीधे हैं तो सीधे बना लेंगे और एक फंदा उल्टा, तीन फंदा सीधा। इस तरह से हमने आठवीं रो कंप्लीट करनी है। आठवीं रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हमारा एक डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। अब दूसरा डिज़ाइन बनाने से पहले मैं एक लाइन आपको बताती हूँ, उसमें हम अब जो ये सीधा है, सीधी चेन दिख रही है, अब इसके ऊपर से हमने पांच फंदे लेने हैं, यहाँ से यहाँ तक ये पांच फंदे हमारे सीधे बनेंगे। अब तो इधर हम एक फंदा तो हम सीधा बना लेंगे और इधर अब एक फंदा उल्टा बनेगा, एक फंदा उल्टा, और अभी चेन के यहाँ इधर दो फंदा, इधर दो फंदा, अब इसमें हमने सीधे फंदे बनाने हैं, एक दो तीन चार पांच, इधर अब तीन पांच फंदे सीधे बनेंगे,
उसके बाद अब इसको हम पांच फंदे सीधे बनने के बाद एक तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन फंदे उल्टे। अब ये जो बीच वाला फंदा है अब इसमें चेन बनेगी, इसको हम अभी सीधा बना लेते हैं। इसको सीधा बना लेंगे और इधर हम तीन फंदा उल्टा बना लेंगे, एक दो तीन फंदा उल्टा। अब जिसमें डिजाइन बना है उसमें हमने तीन फंदा उल्टा इधर लेना है, तीन फंदा उल्टा इधर लेना है बीच में। अब इसमें चेन बनेगी और इस पे अब जिसमें चेन बना है उसमें हम पांच फंदे सीधे बना लेंगे। अब डिजाइन इसमें बनेगा और इसमें हम चेन बनाएंगे। अब इधर तीन फंदा उल्टा बनाने के बाद अब इसमें हम पांच फंदा सीधा बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे। अभी चेन में जो चेन दिख रहा है इसमें हम पांच फंदा सीधा बना लेंगे और इन दोनों इस फंदे को उल्टा बना लेंगे, साइड वाला फंदा सीधा बना लेंगे। फिर सात रो तक हमने यही रिपीट करेंगे, तीन फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, यहाँ पांच फंदे सीधे, इस तरह से हमने सात रो तक बनाना है। उसके बाद हमने आठवीं रो में फिर इसको रिपीट करेंगे, फंदा नीचे निकाल के बीच वाला फंदा, सेंटर वाला फंदा हम नीचे निकाल के उसको हम बना लेंगे बैक साइड से। इस तरह से बन के आएगा फ्रेंड्स से, और पूरा बन के ये इस तरह से दिखेगा। आप इसको देख सकते हैं, बन के बहुत ही खूबसूरत लगता है। किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बेहद खूबसूरत लगेगा। इसको आप ज़रूर बनाइए। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।